मेरे को प्लीज लेट मी गो। अरे शर्माना क्या, दिखा तो सही यार। क्या नाटक है ये? गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। कैसे हैं आप लोग? अबे भारती के पीछे क्या लगा हुआ है? भारती इधर आना। ये तेरी स्कर्ट के पीछे क्या लगा है? घूमना कपड़े नहीं धोती क्या तू? क्या लगा है तेरी स्कर्ट के पीछे? भाई इसके पीरियड्स चल रहे हैं यार। तुम लोग बेवकूफ होते हो क्या? जब पीरियड्स आते तुम लोग घर से क्यों निकलते हो? घर में रह करो। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम, फालतू में मुंह उठा के स्कूल आ जाते हैं। निकलो यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। हमारे सोसाइटी की सबसे बुरी बात पता है क्या है? अगर किसी को पीरियड्स आया तो आप उसको टच नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते, उसे कुछ करने नहीं दे सकते, लेकिन आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसके साथ बदसलूकी कर सकते हैं। भारती पक्का प्रॉमिस ना? प्रॉमिस है, डेफिनेटली पक्का। कहाँ जा रही हो तू? मैं पानी पीने जा रही हूँ। अभी 5 मिनट पहले तो गई थी पानी पीने। हाँ तो क्या हुआ, मैं दोबारा भी तो पानी पी सकती हूँ ना। अच्छा तू कहाँ जा रही है? अरे मैं पानी पीने जा रही हूँ। अरे लेकिन अगली क्लास में टेस्ट है ना भाई। अच्छा टेस्ट के बहाने से जा रही है। देखो मुझे तुम लोगों से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज लेट मी गो। यार तुम पढ़ के नहीं आते हो तो झूठ क्यों बोलते हो, क्यों बहाने मारते हो फालतू फालतू के? मुझे तो पता ही है भाई लड़कियां बहाने मारने में कितनी एक्सपर्ट होती है। मुझे तुम लोगों से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे जाने दे। बहुत बहाने मारती है लड़कियां। अरे आनंद भाई यार फेल हो जाऊंगा मैं। अरे फेल कैसे हो जाएगा, तो बहुत पढ़ता है। ओए भारती आ गई। अरे 1 मिनट भारती, इतनी भी क्या जल्दी है? शुभम देखना इसके हाथ में क्या है। कुछ नहीं, ये स्टेशनरी का कुछ सामान है। शुभम देखना। अरे तो रबड़ पेंसिल ही होगी, दिखा ना। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है शिवम। तो रबड़ पेंसिल ही तो होगी। मैंने कहा शिवम इसके तो पीरियड चल रहे हैं। हाँ अरे जरा दिखाना तो सही कैसा होता है, हमने कभी देखा नहीं यूज करते हुए। पीरियड चल रहे हैं तुम्हारे? देखो प्लीज लेट मी गो। अरे शर्माना क्या, दिखा तो सही यार। क्या नाटक है ये? हम बोल रहे हैं 2 मिनट रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? देखो प्लीज मुझे जाने दो, बहुत अर्जेंट है। लड़के को तो नाटक होता है, जब देखो रोना शुरू कर देती है। इससे तो आने दे फिर बता। वैसे यार मजा तो बहुत आया। जरा जरा सी बात पर रोने जैसी शक्ल बना। वैसे आने तो मैं बताता हूँ। सही था यार। आजा जल्दी आजा। आ गई। तूने हमें धक्का कैसे मारा? बोल। देखो आनंद। अरे छोटी तू यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? आप लोग गर्ल्स वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। आप लोग तब से परेशान क्यों कर रहे हो? अरे नहीं हम क्यों परेशान करेंगे इसे? भैया ये मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेके गई। तुम्हारे लिए? हाँ। क्या हुआ तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है? यार मेरे पीरियड्स अचानक से आ गए, मेरे पास पैड्स भी नहीं है। कोई बात नहीं, काम कर तू वॉशरूम में जा, मैं तेरे लिए पैड्स ले आती हूँ, ठीक है? तक कि आपको पता है एक दिन मेरी स्कर्ट पे स्टेन लग गया, इसने पता है क्या किया? अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? यार मेरी स्कर्ट पे स्टेन लग गया। दिखा। अब सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे तो पता ही है ना सब पहले ही मुझे कितना बुली करते, अब सब लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। तो तुझे पहले तो एक काम कर, तू मुझे अपनी स्कर्ट दे दे और तू मेरी स्कर्ट ले। बट तू इस स्टेन वाली स्कर्ट के साथ कैसे घूमेगी? अरे वो मैं मैनेज कर लूंगी, तू चल चला मेरे साथ। अच्छा दोस्त हमेशा आपका साथ देता है, खुद को चाहे कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए।
लेकिन वो अपने दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है, इसलिए ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे एक्सचेंज करिए ताकि दूसरे बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाए और आप लोगों ने इसका इतना मजाक उड़ाया। भैया आप लोगों को पता भी है व्हाट वी गर्ल्स गो थ्रू ड्यूरिंग आवर पीरियड। इतना दर्द होने के बावजूद भी हम अपने सारे काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मार्केट जाते हैं, सब कुछ करते हैं जो हम नॉर्मल डेज में करते हैं। नॉर्मल फील ना होने के बाद भी हम नॉर्मल एक्ट करते हैं और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप लोगों का हमारी वजह से मूड खराब ना हो। आप लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों को कितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, ना पढ़ने का मन करता है, ना लिखने का मन करता है, सोना तो दूर, किसी से बात तक करने का मन नहीं करता। पर उसके बाद भी हम लोग आप सबका ध्यान रखते हैं और चाहे पीरियड हो या कुछ भी हो तब भी हम लोग अपनी फैमिली के लिए काम करते रहते ताकि हमारी फैमिलीज खुश रहें। हम अपनी फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करते, हमें कितना ही पेन क्यों ना, हम अंदर ही अंदर सहन कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते क्योंकि हम लड़कियां हैं। आप लोग हमारा दर्द नहीं कम कर सकते पर कम से कम उसे बढ़ाइए तो मत, कम से कम हमें समझिए तो सही, एटलीस्ट हमारी रिस्पेक्ट तो करो। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम लोग उस टाइम कि हम लड़कियाँ हमेशा रोती रहती हैं, बहाने बनाती हैं। पता है तुम सब लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि लड़के हमेशा कमज़ोर होती हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, हम तो तुम सबसे पीछे हैं। ये सोसाइटी हमें कुछ समझती नहीं है, हमें कभी मौका ही नहीं देती। तुम जैसे कुछ लड़कों की वजह से हम हमेशा पीछे रहते हैं। बट यू नो वॉट, अगर हमें मौका मिले ना तो हम तुमसे कहीं बेहतर कर दिखाते हैं, बट हम कभी शो नहीं करते। अरे तुम जैसों की वजह से हमें बोला जाता है कि घर से बाहर मत निकलो, अकेले बाहर मत जाओ, लड़के छेड़ेंगे, तंग करेंगे। शेम ऑन यू गाइस, बिकॉज वी आर फार बेटर देन यू। मैं चाहती तो उस दिन भी बोल सकती थी जब तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे, पर मैं चुप थी क्योंकि उस वक्त तुम्हारी सिस्टर को मेरी जरूरत थी। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। सॉरी यार, हमने तेरा इतना मजाक उड़ा दिया। अब से यार प्रॉमिस, हम किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। इट्स ओके, लेकिन आगे से ये बात याद रखना कि किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले तुम्हारी भी बहन है। भैया आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। हम सभी इतने गिर गए हैं कि जब तक हमारे अपनों के साथ कुछ गलत नहीं होता है तब तक हमें गलत का एहसास नहीं होता है। इसलिए प्लीज कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव करने से पहले 100 बार सोच ले कि आपकी भी बहन है, उसके साथ भी कोई मिसबिहेव कर सकता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो का मेन मोरल ये है कि आप कभी भी किसी को परेशान ना करें क्योंकि पीरियड्स एकदम नेचुरल थिंग्स है। तो कभी आप किसी लड़की को पीरियड्स में देखें तो आप उसको परेशान ना करें, उसके साथ बदतमीजी ना करें, उसका आप साथ दें, उसे ये फील कराएं कि ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। तो प्लीज़ आप कभी भी किसी को परेशान ना करें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब से हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस दिखाई देगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल सके। तो जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जहाँ मैं आप लोगों की स्टोरी पढ़ता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए एक मॉरल के साथ, ताकि हम लोग जल्दी से उस पर वीडियो बना सके। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।